हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर डबरा से है। 2 महीने पूर्व अंधे कत्ल का किया आत्रेय पुलिस ने खुलासा। विमला हाजी किन्नर के दत्तक पुत्र पूरन कुशवाहा निवासी मकोड़ा को उतारा था मौत के घाट। विमला हाजी किन्नर ने पूरन कुशवाहा को बनाया था अपना दत्तक पुत्र। संपत्ति विवाद के चलते उतारा था पूरन कुशवाहा को मौत के घाट। आत्री थाना पुलिस ने आरोपी अमन खान, सलमान खान, बोनी उर्फ विनय भार्गव को किया गिरफ्तार। आत्री पुलिस थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब शाम को ये गुड्डी फूला बिष्टी जब बधाई गा के वापस आए तो घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। इन लोगों ने काफ़ी इधर उधर पूछताछ की, कोई पता नहीं लगा कि पूरन कुशवाहा कहाँ गए हैं। तब जाके थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। दूसरे दिन पुलिस जो है मौके पर आई और वहाँ तलाश की और मकान का ताला तोड़ा तो घर के अंदर पूरन कुशवाहा बाथरूम था, उसमें मृत अवस्था में मिला। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तब से लगातार पुलिस टीम वर्क कर रही थी और अभी 2 दिन पहले काफ़ी जो हमें साक्ष्य मिले थे उस पर थाना प्रभारी आत्री बैजनाथ कुशवाहा, बैजनाथ मिश्रा जी और उनकी टीम ने मिल के इस हत्याकांड में सफलता हासिल की। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 आरोपी अभी फरार है। क्या कारण था, क्यों हत्या की?